और इस वक्त बीजेपी नेता संवित पात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संवित जी, कुमार विश्वास की बातें आपने सुनी, किस तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के एक नवनिर्वाचित सांसद उनके पास पहुंचे थे, पार्टी में शामिल होने का ऑफर उन्हें दिया गया था और बदले में सीएम बनाने का वादा भी किया गया था, कितना सच मानते हैं आप इन बातों को? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, जिस प्रकार से ये सब चल रहा है आम आदमी पार्टी में, चंद दिनों पहले आपने सुना था कि इस प्रकार मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, आज ओब्लिकली हिंट दिया है कुमार विश्वास ने कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक टसल चल रहा है पावर को लेके, कौन चीफ मिनिस्टर बने और अरविंद केजरीवाल को मैं भी रिप्लेस कर सकता हूं, ऐसे उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक कशाकसी चल रही है। मगर मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी को कि किस तरीके से जब वो बिल्कुल नॉन एंटिटी बन गए हैं, इस प्रकार के र्यूमर्स को फैला के वो फ्री एयर स्पेस खरीदने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये वाकई अपने आप में कांग्रेचुलेशन डिजर्व करता है। समित जी, आपको ये नहीं लगता कि 19 मई को ये निजी बातचीत हुई थी, खुद कुमार विश्वास ये बात मान रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बातें उन्होंने तब सार्वजनिक नहीं की, अब सार्वजनिक करने का मतलब क्या है? नहीं देखिए, इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं रहता है, ये र्यूमर मॉन्गरिंग होता है, किसी को भी कोई मन में आ जाए तो वो कह दे, और खास करके आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी में एक प्रचलन रहा है, खुद उनके जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी वो कहते हैं कि हर कुछ को रिकॉर्ड कर लो, वो मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड कर लो और एक प्रूफ के रूप में रखो, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व में हैं कुमार विश्वास, तो वो तो फॉलो करते होंगे अपने अध्यक्ष को, रिकॉर्ड किया होगा, वो दिखाएं इस बात को ला के, इस प्रकार से मनगढ़ंत कहानी बना के अपने फ्रस्ट्रेशन को जनता के सामने लाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इस बार जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत बदले बदले उनके सुन नजर आ रहे हैं, पहले जहां घोर विरोधी होते थे नरेंद्र मोदी के, अब की बार मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं अपने इस बयान में। देखिए, शुरू से लेके अभी तक जितने लोग भी मोदी जी के विरुद्ध बोलते थे, आप देखिए उनके सुर में बदलाव है, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आत्मग्लानि हुआ है, उनको महसूस हुआ है कि जो वो बिना मन से मोदी जी के लिए कहते थे, केवल राजनीतिक तौर से मोदी जी के लिए कहते थे, वो अब जनता ने डिसप्रूव कर दिया है, जनता ने उनको एक मैंडेट दिया है, इसलिए मैंडेट दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं और क्या डिलीवर कर सकते हैं, शायद इसी कारण से कुमार विश्वास जी को भी आत्मज्ञानी की महसूस जो उनको उनके हृदय में हो रहा है, इसलिए वो बदले स्वर है। लेकिन उनके इस बयान पर उन्हीं के पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि एक बार बीजेपी का घिनौना खेल फिर से सामने आया है, डर्टी ट्रिक्स ऑफ बीजेपी अगेन एक्सपोज्ड। देखिए, मेन मकसद इन जो नेताओं का है, जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी का, आजकल वो अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी पे अटैक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो अगर ये सब ट्वीट ट्वीट नहीं करेंगे तो किस प्रकार से वो संदर्भ में बने रहेंगे? स्वाभाविक रूप से जो पार्टी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज कहीं ना कहीं वो बीजेपी से लड़ते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस की भी टीम के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार भी बनाई थी, तो इसमें बहुत कुछ हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये एंटरटेनमेंट फैक्टर के रूप में देखना चाहिए, इसका कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है तो क्या वजह रही कि कुमार विश्वास ने इसे पहले सार्वजनिक नहीं किया और अब जब सार्वजनिक कर रहे हैं तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि घनिष्ठ मित्र हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनके साथ निजी वार्तालाप हुई थी जिसमें इस तरह से उन्हें ऑफर दिया गया था। ये तो कुमार विश्वास ही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके बदले हुए स्वर है, इस पे मैं तो उनके हृदय के अंदर झांक नहीं सकता, वही बेहतर जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ संवित जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे और बात करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स का फिर से खुलासा हुआ है, बीजेपी ने कुमार विश्वास को आपको तोड़ने और सीएम बनने का ऑफर दिया था, ये ट्वीट आया है आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष की तरफ से। बीजेपी नेता संवित पात्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संवित जी, इसी ट्वीट का मैं जिक्र कर रही थी, किस तरह से अब एक के बाद एक संवित पात्रा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये जो बात कही गई है कुमार विश्वास की ओर से कि उन्हें सीएम बनने का ऑफर बीजेपी के एक नवनिर्वाचित सांसद ने दिया था, क्या नाम का खुलासा वो करेंगे आगे या नहीं, और अगर 19 मई को ऐसी बात हुई थी तो अब जाके वो ये बात क्यों कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे कुमार विश्वास से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और कुमार विश्वास का फोन हमारे पास आया। उन्होंने अरविंद आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जी, आप ही के पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि उन्हें सीएम बनने का ऑफर दिया गया और साथ ही जो बात उन्होंने कही है कि नवनिर्वाचित सांसद उनके पास गए और वहां पर निजी बात उनके जो कुछ भी आपस में हुई उसमें ये सब कुछ बातें कही गई, आप की तरफ से आप भी सपोर्ट करते हैं इस बयान का, इस बात का जो कि यहाँ पर कही है? देखिए हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, 16 मई 2014 के बाद भाजपा पावर में है, 16 मई 2014 के पहले कांग्रेस पावर में थी। इन दोनों पार्टियों को एक बात तो पता है कि किसी पार्टी के पास संख्या नहीं है। अगर 16 मई 2014 के बाद भी भाजपा जब शासन में आ गई फिर भी उन्होंने हाउस को डिसॉल्व नहीं किया तो किस तरह का कयास लगा सकते हैं आप? क्या चल रहा है इसके अंदर? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टियां भाजपा या कांग्रेस, इन दोनों को लगता है कि मुख्यमंत्री बनना ही ध्येय है, प्रधानमंत्री बनना ही ध्येय है, मंत्री बनना ही ध्येय है। इनको ये समझ में नहीं आता कि ये तो टूल है जनता को सेवा करने के लिए। इन्होंने इस तरह के पीएचडी और मास्टरी हासिल कर रखे इस तरह के ट्रिक्स में कि चाहते हैं कि इनके ही लालच के पैमानों से दूसरे पार्टी के लोग भी ये उनको ट्रैक कर लेंगे। हमारी पार्टी के अंदर कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मंत्री नहीं बनना चाहता। ये पार्टियां चाहती हैं कि इनके 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 चंगुल में फंस जाएंगे। आज के तारीख में भाजपा ये बता दे पूरे देश को, जानना चाहता है कौन सी मिरेकल का ये वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे चुनाव करा रहे हैं? ऐसा जो इनकी डर अभी हासिल हुई है बिहार में और जगह जगह पे बाय इलेक्शन में, ये घबरा करके ऐसे मर रहे हैं। इनको सत्ता का इतना लालच है, दिल्ली के लोगों की दुख नहीं, लेकिन वो यही इल्जाम आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि सत्ता का लालच आपकी पार्टी को है, तभी इस तरह के बयान आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के नेता की तरफ से दिए जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आपकी पार्टी साक्ष्य लाए। सीडी तक दे दिया अपने राष्ट्रपति साहब को, एलजी साहब को हमने सीडी दे दिया जिसमें की ऑफर किया गया था वंदना जी को कि भाई तुम बन जाओ, तुमको 20 करोड़ दे देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, और क्या प्रूफ चाहिए? नहीं, लेकिन कुमार विश्वास के केस में कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ, कोई मोबाइल क्लिपिंग, कोई वीडियो, कोई सीडी कुछ है आपकी पार्टी के पास? हमने मोबाइल क्लिपिंग और वीडियो भी दे दी राष्ट्रपति जी को, हमने मोबाइल क्लिपिंग सीडी में दिए, नहीं सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग, और क्या चाहिए? आप किसी और केस की बात कर रहे हैं, मैं जो आज जो बयान हुआ है आपको, देखिए ऐसा है, आप समझ लीजिए ये बात कि भाई भाजपा के पास संख्या नहीं है, आम आदमी के पास, आम आदमी पार्टी के पास संख्या नहीं है, कांग्रेस के पास संख्या नहीं है, तो ये भाजपा रोकना किस चीज का इंतजार कर रही है? कैसे इनका सरकार बनेगा, कहां से संख्या आएगी? अरे भाई आप सोना जी लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जो ये बातें अब कुमार विश्वास कह रहे हैं, कितना सहमत हैं आप उनकी बातों से और क्या लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं अगर सच्चाई नहीं भी है और अगर है भी तो क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी को इसके साक्ष्य, इसके सबूत पेश करने चाहिए? देखिए इसमें दो बात बहुत साफ है, एक तो आम आदमी पार्टी में अंतर विरोध और अंतर कलह अब सड़कों पर आ गया, क्योंकि अगर कुमार विश्वास आज ये कहते हैं कि वो 12 विधायकों के साथ सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आम आदमी पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस हो गया है और उसके दो धुरी हो गए हैं। पहला विषय। दूसरा विषय हमारा ये कहना है कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी ने उनको संपर्क किया है। मैं उनको चुनौती देता हूँ, वो उनका नाम बताएं जी, क्योंकि अगर वो 3 महीने के बाद इस तरह की बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उनको उसको पूरी बताना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक बात खोल रहा हूँ, 19 मई की सुबह 11:30 बजे श्री राजनाथ सिंह जी जो पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे उनके घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सुषमा स्वराज जी भी, अरुण जेटली जी भी, रामलाल जी भी, मैं स्वयं भी उसमें बैठक में था और डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे और हमारी पार्टी के और सीनियर दिल्ली के लीडर्स वहां थे और वहां पर 2 घंटे मीटिंग चलने के बाद एक कॉमन कंसेंसस बना कि जो स्टैंड हमारा 12 दिसंबर को था हम उसी स्टैंड पर हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है और आवश्यकता पड़ी तो फिर से चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। यानी 19 मई की सुबह पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग होती है, उसके अंदर ये तय होता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है और उसी दिन शाम को अपने घर में उनकी एक आम आदमी पार्टी के एक नेता
आपके पत्र अध्यक्ष अलग होकर के सरकार बना सकता हूँ आपके अंदर। ये जो पूरी स्थिति है ये बात साफ है कि कुमार विश्वास सफेद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंतर विरोध और अंतर कलह में ये बात तय हो गई है कि अब कुमार विश्वास ने भी दावा पेश कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने एक तरह से केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती दी है, इसे ये साफ जाहिर होता है।